हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप IC को परफेक्ट कैसे डालते हो। तो दोस्तों मेरे पास अभी आप देख सकते हो एक लावा का मॉडल है जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में है, जो कि बिल्कुल ओके फुल चलता है, हर चीज़ होता है। फिर मैं इसकी IC डालकर इसको दोबारा रिवॉल्व करके दिखाऊँगा। हर लोग डालते हैं उसको डेड मोबाइल में डालते हैं, मैं आज आपको सही में डालकर दिखाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। और फिर आपको इसकी LCD में निकाल लेनी है। मेरा आयरन थोड़ा सा ठंडा है इसलिए मैं इससे निकाल लेता हूँ। आप लोग अच्छी तरह से निकालिए। अगर आप किसी भी डेड आपको इस अच्छे मोबाइल में नहीं डालना है, आपको डेड मोबाइल में डालना है, मैं आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सा तरीका दिखा रहा हूँ कि इसकी IC को कैसे परफेक्ट डालनी पड़ेगी। तो आप लोग देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से खिंच गई है। अब आपको यहाँ IC पर थोड़ा सा टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा टेस्ट लगा देना है इस पर। आप कोई सा भी टेस्ट यूज कर लीजिए और आपको एयर मशीन को लगभग इसकी एयर को 0 पर रखना है और इसकी हीट को 350 की रेंज में रखना है, 350 या 400 के करीब, लेकिन आपको 400 नहीं 350 ही करना है। फिर आपको IC निकाल लेनी है चिमटी की मदद से। आप ज़्यादा हीट करोगे तो आपका बोर्ड भी जड़ हो सकता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसकी यहाँ IC निकाल लेता हूँ। तो आपको अच्छी तरीके से निकालना है, इसमें जल्दबाजी का काम नहीं करना है आप लोगों को। तो मैं यहाँ इसको IC को निकाल देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इसमें कैसे रिवॉल्व करेंगे आप। बॉल शॉप को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका CPU मैंने निकाल दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मैंने CPU निकाल दिया। अब इसको साइड में रख देते हैं, आप इस साइड भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं इसका CPU मैंने निकाल लिया है यहाँ पर। तो अब इसको आपको क्या करना है, आपको इसमें पेस्ट लगा लेना है। तो इसको आयरन से साफ कर देना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ आयरन से इसको साफ कर देता हूँ, आपको भी साफ कर देना है यहाँ पर अच्छी तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ इसको फुल तरीके से साफ कर दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर इसको थीनर से इसको साफ कर लेना है। तो अभी आप इसको देख सकते हैं, आपको कपड़े की मदद से इसको एक बार साफ कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके सारे बॉल अच्छी तरीके से साफ हो गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको
अच्छी तरीके से निकालना है, इसके पेंट नहीं फटने चाहिए वरना आपका बोर्ड डेड हो सकता है। तो आपको इसको साइड में रख देना है। अब आप इसकी सीपीयू पर ऐसा ही आपको करना है। आपको इस पर भी पेस्ट लगा करके तो भी आपको ऐसा ही तरीके से साफ हो गए हैं। अब आपको इसको थिनर से इसको साफ कर लेना है। आपको कपड़े की मदद से इसको भी अच्छा साफ कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल तरीके से अच्छी तरीके से साफ हो गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पर थोड़ी सा डिले हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इस साइड भी इसका भी साफ हो गया, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट डालना है इस पर। तो आप लोग देख सकते हैं यही पेस्ट आपको थोड़ा सा आइस में लगा देना है। अब आपको बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको जैसी लगी थी आपको वैसे ही इसमें लगा देनी है। आप यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा बिठा करके इसको दाब कर रखना है। थोड़ी सी इस पर हीट दे देना है पहले ताकि ये बैठ जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें पेस्ट लगा हुआ है तो इसमें ये आपको हीट ज्यादा नहीं देना है। तो इसको चेक कर लेना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें इसको चार लाइन के अंदर आपको करना है। इसमें आपको थोड़ा सा पेस्ट और डाल करके और इस पर अच्छी से हीट दे देना है दबा करके, ज़्यादा नहीं दबाना है आपको वरना आईसी भी टूट सकती है। तो अब ये आईसी परफेक्ट बैठ चुकी है। अब आपको थोड़ी टेम्बार इसकी चमटी हटा देनी है, आपको थोड़ा दबा कर क्योंकि अभी बॉल गर्म हो गए तो खिंच जाएंगे। अब इसको हटा देना, आप एक से दो मिनट के लिए इसको ठंडा होने देना है। तो एक से दो मिनट का इंतज़ार कर लेते हैं फिर बताते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा इसमें देख लेना है कि ठंडा है कि गर्म है। तो आपको इस पर अभी बैटरी नहीं लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं अब आपको एलसीडी इसमें लगा देनी है। अच्छी तरीके से इसको एलसीडी लगा देना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके एक से एक प्रिंट बैठ गए हैं। यहाँ आपको बैटरी से नहीं लगाना है, अब आपको डीसी सप्लाई देना है क्योंकि ये आईसी फॉल्ट भी हो सकती है, कहीं पर आपने थोड़ा मिस्टेक कर दिया हो तो आपको डीसी सप्लाई से लगाना है। तो यहाँ मैं डीसी सप्लाई से लगा लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो
तो अब इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो ये अभी ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि अब आईसी परफेक्ट नहीं बैठी हुई है, तो इसको थोड़ा सा और हीट देना पड़ेगा तो बैठ जाएगी। इसको चलिए थोड़ा सा और हीट दे देते हैं। इसमें अभी शॉकिंग नहीं है मतलब, तो आप इसको एक बार बैटरी से भी लगा लीजिए क्योंकि डीसी से कभी कभी मोबाइल नहीं उठता है, तो आपको बैटरी से लगा लेना है। तो ये अभी ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले नहीं खींचना है, आपको थोड़ा सा लगा करके टेस्ट और डाल दीजिए आप थोड़ा सा। अब आपको ऐसा हीट दे करके थोड़ा सा टाइम रख के और आपको ठंडा होने देना है। तो इसको ठंडा हो जाने देते हैं थोड़ा फिर से। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा ठंडा हो गया है। अब इसको फिर से आप डीसी मशीन लगा कर चेक कर लीजिए, अगर अभी भी ऑन नहीं होगा तो एक बार फिर से आईसी को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं परफेक्ट वर्क कर रहा है, ऑन हो गया है। तो अब इसको आपको चेक कर लेना है कि सारा कि इसमें और कुछ अभी खामी तो नहीं है। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका रेंगर भी वर्क कर रहा है, हर चीज इसका वर्क कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सारे वर्क कर रहे हैं, यहाँ थोड़े एक भी बटन इसमें कुछ मिस्टेक नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से मैंने इसकी आईसी रिवॉल्व की है। आप भी इसको रिवॉल्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहुत दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि आप सर इसमें कोई आईसी रिवॉल्व डालकर दिखाओ या चेंज करके दिखाओ सीपीयू, मुझ पर नहीं हो रहा है, मेरे पास इतने पार्ट नहीं है, सामान नहीं है जो कि मैं इसमें रिवॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों इसी तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको ना ही आईसी रिवॉल्व करने पड़ेगी, आपको सिर्फ आपको उसको साफ करके और इसमें अच्छी तरीके से लगा देना है। अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो आप किसी भी अच्छे मोबाइल को ख़राब नहीं करना है, आप किसी डेढ़ मोबाइल को ख़राब कीजिए, आपको अच्छा आपको उतना अभ्यास नहीं होगा कि आप इसमें डाल सकते हो। तो दोस्तों आप इसमें सही मोबाइल भी डाल सकते हो पर अच्छी तरह से डालना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।